जोर धरला वंशधारा उपर मुंडे प्रकल्प दाबी आज राजरास्ता को ओह्लैंट गुणपुरवासी प्रत्येक वार्ड्रे प्रतीकात्मक धारणा एवं विक्षोभ प्रदर्शन करजर हक आगक आसपुरवासी आम सहित अच्छा गुणपुर अंचल वरिष्ठ नागरिक बुद्धिजीवी कौन रही दाबी एवं कौटि रहा भूल से संपर्क में अधिक आलोचना करवा आम सहित अच्छा गुणपुर अंचल वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त प्रदीप कुमार दास प्रतिक्रिया ना आज आप स्वागत करुच्ची कौन रही दाबी एवं कौन कहार भूल कौ सरकार एम आम प्रति वैमात्रिक मनोभाव कहीं कर आमर 1961 मसीह जो ओडिशा आंध्र मध्य चुक्ति होता चुक्ति स्वाक्षरित क्रमे ओडिशा और आंध्र 50-50 भाग परिमाणर जलसेचन जल को व्यवहार करने कथा किंतु दुखर विषय ओडिशा सरकार निद्रा रे सोइथिबा ओ ओडिशा सरकार एथिप्रति गुरुत्व दे नथिबा जोगु आज आम ओडिशावासी यार दुख अनुभव करिवा पड़ुछि। आंध्र वंशधार नदी उपर तीनोटी जल प्रकल्प निर्माण कला एक गोटा दुई नेरेडी तीन काट्रागड़ा वर्तमान नेरेडी प्रकल्प नहीं आमर ट्रिब्युनाल जो वंशधारा ट्रिब्युनाल राय देछि नेरेडी प्रकल्प को तुरंत निर्माण करू बोली जदि ए प्रकल्प निर्माण हबो ताले गुणपुरवासी मानंकु बहुत असुविधार सम्मुखीन होबाक पड़िबो एणु यार प्रतिवाद आज प्रतीक अनशन सब जगार गुणपुर तरफ गुणप्रवासी तरफ निश्चय भाव शुणुले जे राज्य सरकार एपर्यंत गोटे भी प्रकल्प वंशधारा उपर मुंडे करना जार कि आंध्र सरकार भरपूर फायदा उठाई आंध्र सरकार वंशधारे तीन तीनो प्रकल्प कर सारा बेले आम राज्य सरकार एपर्यंत गोटे भी प्रकल्प वंशधारा उपर मुंडे पारिना ये जिलापाई एक वैमात्रिक मनोभाव जहाँ से प्रकाश करते आम सहित जुव आईनजीवी प्रतिक्रिया ना गुणपुर अंचल ये दाबी 1961 मसीह चलती सरकार मध्य विभिन्न प्रकल्प करिवार प्रलोभन देखी जनसाधारण को पानी डंगर कथा कहिबा वंशधारा ऋषिकुल्यार संजोगीकरण कथा कहिबा ये भली अनेक प्रकल्प निर्माण करिवार प्रतिश्रुति आज कुंभकर्ण निद्रा रे सोइछंती ओडिशा सरकार कौन से प्रकल्प को आज पर्यंत कार्यकारी करना सेपटे आम देखिले आंध्रा गोटे परे गोटे प्रकल्प निर्माण कर चली आउ सी तार भरपूर तार जहाँ व्यवहार करवा कथा पा कि व्यवहार करुच्ची जल विहुने सृष्टिनाश जल बहुला सृष्टिनाश दुईटा जाक अवस्था भोगवा पड़ो गुणपुरवासी को एणु आज गुणपुर अंचल विक्षोभ प्रदर्शन कर प्रत्येक साही गली कंदी रे आज आम प्रतीकात्मक आंदोलन आरंभ करिछु एहा तीव्र रूप नबो जदि ओडिशा सरकार आम दाबी को मानि न निए ताहले आगामी दिन रे निश्चित भाव रे गुणपुर रे एक निया रो वातावरण सृष्टि हबो पूरा पूरी 100% भूमैत्रिक भाव बोले कहले अत्युक्त हबो नै कारण आमर नेरडी प्रकल्प रे ट्रिब्युनाल जो राय देला 50% तांक व्यवहार करिये जल आमे 50% जल व्यवहार करू आमर 1% भी जल व्यवहार होनी सब बंगोपसागर मिश्चि जार फायदा नहींकर आज आंध्र तार आम वंशधारा नदी पा नहींकर से मैंने तार मान प्रकल्प लगे आस जमि लगे ये गोटे बड़ भूल जिनस रही जो ट्रिब्युनाल राय देला आम ओडिशार 106 एकर जमी तक देवु से प्रकल्प हम नेरडी में जोबले भी ओडिशा गवर्नमेंट चाहब किसी गोटे प्रकल्प उपर मुंडे कर तार फेरे कॉस्ट भी 50% आंध्र गवर्नमेंट को देवाक पड़ो ये कि प्रकार न्याय किसी जमापड़ी आम ओडिशा सरकार कहीं चुप रही यापर कहीं प्रतिवाद करनी आज पर्यंत गोटे कथा भी कहीनी तापर कि स्टेटमेंट देना आमर दाबी रहा इमिडियेट आमर पाणी डंगर प्रकल्प हूँ आमर जो 50% जल आम जो व्यवहार करने कथा ताकू केमी व्यवहार हो पार ओडिशा रे एटा ही आमर दाबी जदि यह पूर्ण न हुए आगामी दिन में आम राजरास्ता को ओल्लबू निश्चित भाव शुणुले आज प्रत्येक गुणपुर म्युनिसिपालिटी प्रत्येक वार्ड में प्रतीकात्मक धारणा दी जाएगी आगामी दिन में महिला माने वंशधारा जल में सत्याग्रह करने कार्यक्रम रही जदि सरकार एथप्रति कर्णपात न करती राज्य सरकार को यह भारी पड़ो निश्चित भाव में आम सब आगामी नागरिक प्रतिक्रिया कौन कहे आगामी दिन में कौन सब कार्यक्रम अच्छे देखो आज्ञा 2005 मसीह श्रीजुक्त रविनारायण नंद शिलान्यास करते पाणी डंगर किंतु आज पर्यंत 70 वर्ष हो राज्य सरकार कुंभकर्ण निद्रा शोचंती आमर दाबी होची
ପାଣି ଡଙ୍ଗରରେ ଆମର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆମେ ମାନେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବଂଶଧାରା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁଣପୁରବାସୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ଏବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।